इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाए। देखिए, जो सुशांत से मैं मिला था पहले, तो सुशांत ऐसा लग नहीं रहा था कि सुसाइड कर लेगा, क्योंकि काफ़ी एक नीचे से ऊपर तक आया है, मेहनत की उसने, काफ़ी स्ट्रगल किया है। बाकी क्या है कि अब तो केस सीबीआई के पास चला गया है, एक अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि बात सुशांत की नहीं है, बात एक उसके 80 साल के पिताजी की नहीं है, बात एक बिहार के लड़के की नहीं है, बात है उस तमाम यूथ की जो बेचारा ढेर सारा जाता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है। जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये सीबीआई के केस में सब कुछ आ जाएगा। अब हम अपने से अज्यूम लगा रहे हैं कि भैया उसने ये बोल दिया तो उसने किया, उसने बोल दिया तो उसने किया, जो भी दोषी है सजा तो उसको मिल के रहेगी। मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सुशांत ने अगर सुसाइड भी किया तो बहुत गलत है। सफलता असफलता, दुख सुख, सक्सेस अनसक्सेस, सब तो चलता रहता है लाइफ में, ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो इसलिए ज़िंदगी को हर पल जियो, कोशिश करो। और मुझे लगता है कि जो सुशांत का जो केस है, जिस हिसाब से जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सच्चाई सामने आके रहेगी। और इससे क्या है कि जो ढेर सारी जो नई जनरेशन है, नए बच्चे वहाँ पे जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो, नेपोटिज्म तो हर जगह है, आप कहाँ नहीं है, बताओ। आप कहीं भी कुछ करेगा वो बच्चे को लॉन्च करेगा। मैं कह रहा हूँ कि करो, अपने बच्चों को लॉन्च करो, हर चीज़ हर जगह लॉन्च करो, मगर किसी सामने वाले की रोजी रोटी मत छीनो, वो गलत। आपको लगता है कि बॉलीवुड में इन दिनों ठीक सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखो, बॉलीवुड में कभी भी ठीक ठाक नहीं चलता, मतलब इन दिनों नहीं, कभी भी ठीक ठाक चलता कहाँ से। अब खुद बताओ कि ठीक ठाक का मतलब सबकी परिभाषा डिफरेंट है। जो नया आ जाएगा वो सोचेगा भैया ठीक नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, कोई पुराना सोचेगा मेरे हिसाब से ठीक नहीं चल रहा, कुछ सोचेंगे ठीक चल रहा है। तो क्या है कि अगर हमने सोचा कि भैया अपना माइंड स्थिर रखा, सब कुछ रखा, तो कहीं भी जहाँ पे ठीक ठाक नहीं भी चल रहा, वहाँ पे ठीक ठाक चलता है। तो मैं ये कहूँगा कि सुशांत की डेथ एक आई ओपनर है सबके लिए, मतलब जिस हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, रोष देख रहा हूँ, प्रदर्शन देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि सब उसको एक फैमिली लगा के फाइट कर रहे हैं। तो सच्चाई आनी चाहिए सामने। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीबीआई इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई तो पारदर्शिता करेगी, जैसे बाकी कोई, चाहे मान लो जो पुलिस का मैटर था, नॉर्मली था। तो मुझे लगता है कि ये इसकी जांच का जो सच सामने आएगा, वो ढेर सारे बच्चों को इंस्पायर भी करेगा और उनकी आँख भी खोलेगा। और सुशांत का जो मैटर था वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक अकेला लड़का था, 3 बहनें हैं, 80 साल का एक बूढ़ा बाप है। तो हम तो यहाँ बैठ के सारा जूम कर सकते हैं, मगर जिसकी फैमिली पे होता ना, तो उनकी फैमिली को पता चलता कि क्या कुछ था। तो आप मिले उनसे, किस तरह की क्या चर्चाएं हुई, अगर उस बात पे जाएं? देखिए, जब मैं उनसे मिला तो क्या होता था कि मुझे थोड़े से वो इंसान अच्छे लगते जो थोड़े फिटनेस फ्रीक हो। तो तब सुशांत वो क्लैपिंग वाली एक्सरसाइज करते थे, तब तक मैं क्लैपिंग वाली एक्सरसाइज में सीख रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था नॉर्मली, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने उससे बात की, हम्बल था काफ़ी, शरीफ था, नॉर्मली था। तो मैंने उससे क्लैपिंग वाली एक्सरसाइज सीखी उसको देख के, कि अच्छा ये दो ये कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है। तो हमने कई बार वर्कआउट किया साथ में, ये सब किया, तो कई बार दिखता था, मगर उसमें एक जीने की फुल ऑफ लाइफ था। अब मैं ऐसे कैसे बोल दूँ कि मतलब वो ये था या नॉर्मली वो था। और फिर जब सुना तो हम सब शॉक। आपको लगता है कि